हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो जी हाँ दोस्तों, थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा, कुछ पासपोर्ट होल्डर्स को, अलग अलग नेशनलिटी के पासपोर्ट होल्डर्स को दुबई या यूएई के अंदर से निकाला जा रहा है। क्या है अपडेट जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, यूए के अंदर बहुत सारे वीज़ा रिफॉर्मेशंस हुए हैं, वीज़ा से रिलेटेड बोलिए, इमिरेट्स आईडी से बोलिए, पासपोर्ट से रिलेटेड बोलिए, आपको बहुत सारे अपडेट्स जनवरी फरवरी में मिले होंगे। तो इसी के साथ मैं बहुत लोगों को ये भी बता चुकी हूँ कि विजिट वीज़ा होल्डर्स जो लोग हैं और उनको काम करते हुए देखा जा रहा है तो भी उनको निकाला जा रहा है। साथ ही में ये भी अपडेट आ रहा है, अलग अलग नेशनलिटी, किसी एक नेशनलिटी का नाम मैं नहीं लूंगी, किसी एक कंट्री वालों का नाम नहीं लूंगी, बहुत सारे मिक्स्ड है, इसमें बहुत सारे कंट्रीज के लोग हैं जो यहाँ पे आज से एक साल डेढ़ साल पहले पासपोर्ट उनका एक्सपायर हो चुका है, ना उनके पास वीज़ा है, ना अभी का वैलिड पासपोर्ट है, ना कोई डॉक्यूमेंट है, कुछ भी नहीं है और यहाँ पे रह रहे हैं दुबई के अंदर, शारजा, अजमान, अबू धाबी, बहुत सारे लोग ऐसे पाए गए हैं। और अगर ऐसे पाए जाते, बहुत ज़्यादा चेकिंग इस समय पे चल रही है, अगर आप लोग बाहर निकलते हैं तो कभी भी आपकी चेकिंग हो सकती है, आप इसलिए आपका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होना चाहिए, आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर्ड वीज़ा लेके आप लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। आपका वीज़ा वैलिड हो गया, अदर जो डॉक्यूमेंट्स है, आप जहाँ पे रह रहे हैं या जो भी है वो तो बाद की बात है, लेकिन जो मेन चीज़ होती है वो है पासपोर्ट और आपका वीज़ा। अगर वो वैलिड नहीं है तो आपके साथ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। स्पेशली इन लोगों को क्यों डिपोर्ट कर दिया गया है, इनको तो तुरंत डिपोर्ट कर दिया गया है। क्यों मैं ये रीज़न बता रही हूँ, जितने भी गलत काम यहाँ पे होते हैं वो इनके द्वारा ही होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ना वैलिड पासपोर्ट है, ना वैलिड वीज़ा है, ना कुछ है, वो लोगों को गुजारा कैसे करें, कोई तो उनको जॉब देगा नहीं। अगर उनके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं है, वैलिड वीज़ा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई तो उनको, कोई कंपनी वाले तो जॉब नहीं दे सकते। तो जितने भी गलत काम होते हैं, चाहे वो चोरी वाले हों, स्कैम्स वाले हों, अदर कुछ भी गलत काम है, वो सारे यही लोग कर रहे हैं। अलग अलग नेशनलिटीज़ के लोग हैं, उनको तुरंत डिपोर्ट कर दिया गया है और उनको जो बैंड मिला है वो लाइफ टाइम बैंड है, पूरे गल्फ से, सिर्फ यूएई नहीं। अभी आपको पता है जैसे यूएई के साथ साथ पूरे गल्फ रीजन से ही बैंड मिल रहा है बहुत लोगों को, तो इनको जो बैंड मिला है वो लाइफ टाइम बैंड मिला है पूरे गल्फ से, यानी कि गल्फ के किसी भी कंट्री में वो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, नहीं रह सकते हैं। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।